शादी खैर, वेलकम बैक टू माय चैनल जीए फूड्स। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बड़ियों का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार शानदार बनता है। जो लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते हैं वो ये बड़ियों का पुलाव खा सकते हैं। बहुत ही झटपट बनकर ये तैयार हो जाता है। तो फिर चलिए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 कप तेल डाल दूँगी। ये देखिए, जब यहाँ पे तेल को हम गरम कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस करके डाल दिया है तेल में। अब यहाँ पे प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का रंग तब्दील होना शुरू हो चुका है। अब जब तब्दील हो जाए रंग इसका, गोल्डन हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी 1/2 कप पानी, ताकि जो हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जले ना और कलर खूबसूरत सा पुलाव का आ जाए। यहाँ पे 1/2 कप पानी शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे इस तरह से। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी बड़ियाँ। ये मेरे घर के बनी हुई बड़ियाँ, इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे चैनल पर मौजूद है इसकी रेसिपी, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बड़ियों को डाल दिया है। आप इसको तोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े साइज के रखना चाहें तो बड़ी रख लें, या तोड़कर आप इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि दालों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। फिर हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर लेंगे, उसको काट कर डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ियों का कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी 1 टीस्पून काली मिर्चें, जीरा डालेंगे 1 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी लाल मिर्चें क्रश की हुई 1 टेबल स्पून, नमक हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून, या अपने जायके के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे 1/2 कप, ताकि मसाला जले ना, और यहाँ पे 5 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे बड़ियों के साथ। अब बड़ियों का कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है और बिल्कुल गोश्त की शक्ल दे रही हैं। अब हम यहाँ पे 1 लीटर पानी डालेंगे और बड़ियों को इतना पकाएंगे कि वो अच्छी तरह से गल जाएं, और ढक्कन लगा देंगे। अब गलने के लिए रख देंगे। मेरे यहाँ पे बड़ियाँ 14 मिनट के बाद गल चुकी हैं। अगर आप बड़े साइज़ की बड़ियाँ डालेंगे तो 1 घंटे तक भी लग सकता है बड़ियों को गलने में। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की बड़ियाँ ली हैं। ये देख सकते हैं आप, बड़ियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने चावल ले लिए, इनको 15 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था। अब हम यहाँ पे 1 किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ 1 पाव बड़ियाँ ली थी, उनके लिए मैंने 1 किलो चावल इस्तेमाल किए हैं। आप अपने पसंद से बड़ियाँ डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मसाला चावलों के साथ मिक्स हो जाए। इसी तरह अगर आपको ये रेसिपी पसंद है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और ये बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे मीडियम आंच रखनी है हमने यहाँ, और यहाँ पर ग्रीन चिलीज डाल देंगे 4 अदद, ठीक है जी। मीडियम आँच पर ही आपने चावलों को गालना है। हमने यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने पहले ऐड किया, अब 1 टीस्पून बाद में हम और मज़ीद डालेंगे, ठीक है जी। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कलौंजी हम यहाँ पे डालेंगे जी 1 टीस्पून। कलौंजी से बहुत ही शानदार जायका आता है पुलाव में। अब यहाँ पर हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए चावलों को गलने के लिए रख देंगे। याद रहे यहाँ पे हमने चावलों को 80% तक ही गालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल आ रहे हैं। इसी तरह से आपने बनाना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। जो बच्चे गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, दालें इस्तेमाल नहीं करते, उनको आप ये पुलाव बना के दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं और चावल भी 80% तक गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर ढक्कन लगाएंगे, इसके ऊपर एक किचन टावल रख देंगे और 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे चावलों को। 15 मिनट के बाद आप देख सकेंगे हमारे यहाँ पे पुलाव को दम अच्छी तरह से लग चुका है, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारा पुलाव बनकर तैयार है।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसी आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह मैं अपनी नई नई रेसिपीज़ मज़ेदार लाती रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।